नमस्कार, मैं हैदरम। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। अभिनेता ऋषि कपूर को गए काफी दिन हो चुके हैं और अब धीरे धीरे इस दुख से उनकी पत्नी नीतू कपूर बाहर निकल रही हैं। इस बात का एहसास हमें तब हुआ जब उनका वायरल होता हुआ वीडियो देखा। वीडियो में झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रणबीर कपूर की शादी की तैयारियां वे अभी से कर रही हैं। आपको बताएं कि इस वीडियो को राजेंद्र कुमार जी ने जो है शेयर किया है, जो एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड की दुनिया में। इस वीडियो में नीतू सिंह मस्त होकर गाने घाघरा पर डांस कर रही हैं। घाघरा पर ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर और माधुरी दीक्षित ने डांस किया है। नीतू कपूर को घाघरा पर ठुमके लगाते देख फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। वहीं कुछ ने तो ये भी पूछा कि क्या नीतू कपूर रणबीर और आलिया की शादी में जुट गई हैं। गौरतलब है कि साल 2020 की शुरुआत से ही इस साल रणबीर और आलिया के शादी के बंधन में बंधने की खबरें पक्की बताई जा रही हैं। ऋषि कपूर के सुख दुख के साथ ही नीतू कपूर उनके आखिरी दिनों में भी पूरे संयम के साथ उनकी देखभाल में लगी हुई थी। हालांकि उनके बच्चे भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े दिखाई दिए थे। गौरतलब है कि ऋषि कपूर से शादी करने के बाद नीतू कपूर ने इंडस्ट्री छोड़ दी। कहा जाता है कि उस समय कपूर खानदान की बहु बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती थीं। हालांकि नीतू कपूर ने अपनी मर्जी से घर पर रहकर बच्चों की जिम्मेदारी संभालने का ऑप्शन चुना था। नीतू कपूर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली आम सी लड़की थी और इसलिए उनमें ये बात हमेशा साफ झलक आती थी। कुछ समय पहले उनका सब्जी लेते समय मोल भाव करता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था। ऋषि कपूर के बाद नीतू कपूर के साथ मजबूती से खड़ी हैं उनकी बेटी रिद्धिमा सहानी। रिद्धिमा नीतू कपूर के साथ ही रह रही थी और उनकी नातिन समायरा भी उनका काफ़ी ध्यान बटा रही थी। अपने जन्मदिन पर नीतू कपूर को बच्चों ने बेहद प्यारा सरप्राइज दिया था। वैसे दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके देख लें और अपनी राय, अपनी कमेंट जो है वो ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चल पाए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।